टीवी के इस पॉपुलर शो के आगे फेल हुए बाकी सारे शोज। टीआरपी चार्ट पर नंबर 3rd, 4th और 5th पोजीशन पर हुआ बड़ा फेरबदल। आखिर क्या है इस बार की टीआरपी रिपोर्ट, आइए जानते हैं। साल 2021 का पहला हफ्ता भी सीधा अनुपमा के नाम रहा। तमाम ट्विस्ट के बावजूद इस बार भी सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 14 ने इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बनाई। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 शोज के लिस्ट में कौन कौन से शोज शामिल हैं। रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टार सीरियल अनुपमा में इन दिनों जबरदस्त मोड़ आया हुआ है। कुल मिलाकर इस सीरियल के दर्शक करण ड्रा को बड़े ही चाव से देख रहे हैं। इस हफ्ते अनुपमा पहले नंबर पर है। सुम्बुल तौकीर खान ने सीरियल इमली में अपनी जबरदस्त अदाकारी से जान ही भर दी है। इमली के लगातार सामने आ रहे ट्विस्ट को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं और इस हफ्ते ये शो दूसरे नंबर पर है। जी टीवी के शो कुंडली भाग्य में करण और प्रीता की नोकझोंक को दर्शक आज भी एंजॉय करते हैं। सालों से श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर स्टारर इस सीरियल को इस हफ्ते तीसरा स्थान मिला है। स्टार प्लस का शो गुम है किसी के प्यार में धमाल मचा रहा है और इस हफ्ते ये सीरियल चौथे पायदान पर है। लंबे समय के गैप के बाद मोहसिन खान और शिवांगी जोशी स्टारर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने टीआरपी की लिस्ट में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। इस हफ्ते के ट्रैक में नायरा के किरदार को खत्म किया गया है, ऐसे में दर्शकों को बड़ा झटका लगा है। वेल, आप किस शो को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और आपको इस हफ्ते की टीआरपी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहिए टेली मसाला।